स्वागत है आपका सिनेस्पिक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। जुनूनियत के एपिसोड की शुरुआत जॉर्डन द्वारा इलाही की अनुपस्थिति को देखने से होती है। इलाही जॉर्डन और सीरत पर कड़ी नजर रख रही है। एक नौकर जाहन को एक लेटर देता है और जॉर्डन उसको बारीकी से देखता है। इलाही ने टीना को उन्हें दूर ले जाने का इशारा किया, हालांकि जाहन को पता चला कि लिफाफा खाली है। इलाही ने जॉर्डन और सीरत को फंसाने की अपनी योजना कबूल की और जहान को ऐसे कार्य करने का निर्देश दिया जैसे उसके पास सबूत हो। सीरत ने बेहोश होने का नाटक करते हुए जॉर्डन से कार्यवाही करने का आग्रह किया। जॉर्डन पानी का अनुरोध करता है, लेकिन व्रत रख रही डॉली झिझकती है। जॉर्डन इस बात पर जोर देता है कि सीरत उसकी पत्नी नहीं है और उसे शराब पीने के लिए मजबूर करता है। जहान सीरत को पानी लेने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। इलाही को आश्चर्य है कि उन्होंने लिफाफा वापस क्यों नहीं लिया। जॉर्डन उसकी चालाकी को उजागर करता है और सबूत इकट्ठा करने की उसकी क्षमता पर संदेह करता है। जहान इलाही की हरकतों पर सवाल उठाता है और उसे जाने के लिए कहता है। इलाही ने दूसरों की खुशी के लिए सीरत को जहान से शादी करने का सुझाव दिया और आगे हस्तक्षेप न करने का वादा किया। वह याद करती है कि जब डॉली बीमार पड़ गई थी तो उसने मदद की थी और वह इस बात पर जोर देती है कि उसे अपने बेगुनाही साबित करने का मौका मिलना चाहिए। जहान अब भी उसे नापसंद करता है, लेकिन उसे अधिक समय देने के लिए सहमत होता है। टीना इलाही को गलत पहचान से बचने के लिए अपना चेहरा छिपाने की सलाह देती है। रिश्तेदारों ने बताया कि सीरत और इलाही दोनों रोजा रख रही हैं और एक ही रंग की साड़ी पहने हुई हैं। सीरत इलाही का सामना करती है और उसे उसकी स्थिति याद दिलाती है। इलाही का दावा है कि वह जहान को सीरत से बेहतर समझती है और यह सुनिश्चित करती है कि वह उसका व्रत नहीं तोड़ेगा। इलाही ने उल्लेख किया कि उसकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है और वह गुस्सा हो जाती है। वो बिस्तर पर गिर पड़ती है और जॉर्डन को लगा कि इलाही बच गई है। उसका मानना है कि उसे जहान को खत्म करना होगा। इलाही जहान से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन सीरत उसे ले जाती है। चांद की रस्मों के दौरान सीरत को एक गिरता हुआ लैम्प पोस्ट दिखता है और इलाही जहान की जान बचाती है। जहान गलती से सीरत की थाली को गिरा देता है। इलाही की मदद करने के लिए दौड़ती है और उसे ले जाती है। जहान इलाही को पानी देता है और अपना उसका व्रत तोड़ता है। रिश्तेदारों ने इलाही को जहान का सच्चा प्यार घोषित किया, क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। जहान और इलाही गले मिलते हैं और जहान अपने प्यार का इजहार करता है। इलाही ने 2 दिनों में अपनी बेगुनाही साबित करने का वादा किया।